मेरे पास आ गया। खजाने का नक्शा? हाँ, एक दिन मुझे मेरे आंटी से पॉकेट मनी मिली थी। अगर बच्चों को ज्यादा पैसे दिए जाए तो वो उसे बर्बाद कर देते हैं। लाओ पैसे मुझे दो। इसलिए मैंने वो पॉकेट मनी पहाड़ के पीछे छुपा दी और नक्शा बना दिया। अब मैं वो खजाना निकालूंगा। शायद यही कहीं होना चाहिए। अरे 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 नहीं, निशाना तो गायब हो गया। अब मैं खजाना कैसे ढूंढूं? लाओ मुझे दिखाओ। पेपर, जंगली बिल्ली, खाली कैन। अच्छा तो ये सब है? मैंने इन तीन चीजों के बीच में ही छुपाया था डोरेमोन। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं बहुत हैरान हूँ। मैंने अब तक सब कुछ खो दिया, अब मैं उस खजाने को कैसे ढूंढूं? देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इस गैजेट को एक बहुत ही खास मकसद के लिए बनाया गया है। इसकी मदद से वो सब दिखाई देता है जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा। इससे क्या होगा? मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जहाँ तुम जाना चाहते हो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मेजरमेंट डालो, जैसे कि गहरा समंदर। चलो। यहाँ पर तो अलग अलग मछलियाँ हैं। अब अगला पिरामिड। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा पिरामिड थी। अच्छा, मधुमक्खी का छत्ता भी दिखाई देता है और छोटी सी मशीन भी। मुझमें और इंसान का शरीर भी। देखो, मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तो आप बताओ, पहाड़ के पीछे छानबीन करोगे? इसकी मदद से मुझे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। अब ये क्या है? लगता है स्केल को ज्यादा नीचे सेट कर दिया है। देखो, ये हमारी पृथ्वी के अंदर का हिस्सा है। वो ठीक है, मुझे खजाना दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जरा रुक जाओ, मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर इसकी परत का साइज बड़ा करे तो जमीन और समुद्र दिखता है। यही वो पहाड़ी है। चलो इसे और बड़ा करते हैं। मैं इसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता हूँ, तुम ध्यान से देखना। ठीक है। रुको रुको, मुझे कुछ दिखाई दिया। रुक जाओ, ये मेरे पैसों का बॉक्स है। ठीक है, यही मार्क कर देते हैं। तुम पहाड़ी पर वापस जाओ और झंडे के नीचे खुदाई करो। मैं इसे सीधे यहाँ से नहीं ले सकता। ये बस एक तस्वीर है नोबिता, अपना ध्यान रखना। वो बॉक्स यही होना चाहिए। अरे वाह, मेरा मनी बॉक्स मिल गया। ओह, मेरा मनी बॉक्स। मैंने सोचा था मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। डोरेमोन, तुम मेरे मनी सेवर हो। ये तो बहुत ही अच्छा था। वो गैजेट कहाँ गया? मैंने उसे रख दिया क्योंकि काम खत्म हो गया। प्लीज, मुझे वो गैजेट एक और बार इस्तेमाल करना है। उस गैजेट को इस तरह मजे के लिए यूज नहीं करते हैं नोबिता, मैंने तुमसे कहा था ना। दरअसल मुझे वो पढ़ाई के लिए चाहिए। क्या सच में? लंबाई है, यहाँ पर चौड़ाई है। जानता हूँ जानता हूँ। वैसे किसकी छानबीन कर रहे हो? वो मुझे चींटी का हिल देखना है। ये तो शिजुका का घर है नोबिता। हाँ, पर उसके गार्डन में चींटियाँ हैं, ये देखो। सच में? ये देखो डोरेमोन, मुझे ऐसी खोज करने में वाकई में बहुत मजा आ रहा है। नोबिता, डोरेमोन, मैं तरबूज खरीदने जा रही हूँ, जरा घर का ख्याल रखना। ठीक है मॉम। तरबूज? एक दिन एक अंकल तरबूज खरीद कर लेकर आए, लेकिन वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। उसका छिलका बहुत मोटा था और जूस भी नहीं था। खरीदने से पहले हम उसके अंदर देख पाते तो। अरे हाँ। तुम क्या करने वाले हो? बस तुम देखते जाओ नोबिता। कैसे पता चलेगा कौन सा तरबूज अच्छा है? बस देखते जाओ। अरे हाँ, इस तरीके से हम तरबूज के अंदर देख सकते हैं और सबसे टेस्टी वाला तरबूज चुन सकते हैं। उसका छिलका मोटा है, उसके अंदर जूस नहीं है, इसका रंग अच्छा नहीं है। ये वाला कैसा है? इसका रंग, इसका शेप, इस छिलके की मोटाई, सब कुछ ठीक है।
静香ちゃんいないじゃないか。ママも持って帰るだけだったの。何見てんだ。いや何も本当に。ये क्या है? ये एक बड़ा माउंटेन दिखाई दे रहा है। वहाँ नीचे गहराई में कौन है? हो सकता है वो चट्टानों में धस गया हो। चलो हम कुछ करते हैं। ये है वो जगह। चलो जल्दी चलो। जल्दी करो। रिपोर्ट को तुम टीवी पर भी दिखा सकते हो नोबिता।
चलो अब इसे घर में ट्राई करते हैं। क्यों, क्या लगता है तुम्हें नोबिता? पर किसी अजनबी के घर पे कैसे जा सकते हैं? तो चलो शुरू करते हैं। हेलो, हम नोबिता के ओजामा गोरमे की तरफ से आए हैं। वाओ, गोरमे रिपोर्टर हमारे घर आए हैं। ठीक है, आप अंदर आ जाइए। देखा, ये काम करता है। अरे वाह, मेरी सबसे खास डिश है वेजिटेबल स्टू। चलो खाकर देखते हैं। चलिए डिश के बारे में कुछ कहिए। इसके अंदर बहुत सारे आलू हैं, तो इसे पोटैटो स्टू कहा जाएगा। अरे स्वाद के बारे में बताओ नोबिता, स्वाद कैसा है? और इसके अंदर उबले हुए आलू के साथ सब्जियां भी मिली हुई है, तो ये सच में मेरे ख्याल से ये डिश बहुत बढ़िया, कहीं पर छुपा देनी चाहिए। हा? अरे नहीं नहीं नोबिता, वो किसी डिब्बे में जो फर्स्ट एड बॉक्स ना हो, सजेशन बॉक्स नहीं, फिर वो खजाने का बॉक्स होना चाहिए। वो खत हो गया, निकलो यहाँ से। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा डोरेमोन। नोबिता, मैंने सुना है तुम गोरमे रिपोर्टर बन गए हो। हाँ सुनियो। तो तुम हमारी सुपर लग्जरी डिश पर रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। क्या सच में? चलो चलते हैं। स्वागत है नोबिता गोरमे चैनल में। चलिए जानते हैं होने का वह शाही डिश के बारे में। प्लीज आप अंदर आइए ना। स्वागत करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले आप हमारी रसोई देखिए। हमारी रसोई की हर चीज खास है, विदेश से जो मंगवाई है। यहाँ देखिए, हमारे यहाँ दुनिया भर के सबसे खास प्रकार के खाने का सामान मंगाया जाता है, और वो भी काफी भरपूर मात्रा में। ये देखिए, ये सबसे खास किस्म के मछली के अंडे हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि दुनिया की खास तीन चीजों में से कोई एक बना दूँ, क्यों? तो बताइए नूडल्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, रिपोर्ट दीजिए। जैसे मैंने सोचा था, ये वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। नोबिता, तुम ये क्या बताने लग गए भला? और जानते हो, आज के लिए मैं खास डिश भी बनाने वाली थी। तुम्हारी शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है। मैं सोच रहा हूँ अब आगे कहाँ जाना चाहिए। नोबिता, मैंने तुम्हारा प्रोग्राम देखा। यार सच में यार, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? इस खाने की दुकान को मेरे पापा के दोस्त चला रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ कोई भी ग्राहक क्यों नहीं आता। मैंने सुना है कि वो जल्दी ही दुकान को बंद करने वाले हैं। कभी कभी दुकान में खाने की चीजें स्वादिष्ट होती है, लेकिन पॉपुलर नहीं होती। ठीक है, तो चलो इस शॉप को नोबिता के गोरमे रिपोर्ट के साथ फेमस करते हैं। हाँ, इसे हम पर छोड़ दो। यहाँ तो वाकई कोई ग्राहक नहीं है। इस तरह की जगह में भी स्वादिष्ट खाना मिलता है। ले लीजिए। चलो इसे खाते हैं। अरे कुछ बोलो तो सही, रिपोर्ट तो दो, कुछ तो बोलो। बहुत ही बेकार। अरे नोबिता, नोबिता जैसा कि मैंने सोचा था, आपने ईमानदारी से कहा जो मेरे लिए अच्छी बात है। और हाँ, आपके लिए ये केक बनाया था मैंने, इसे टेस्ट करके बताइए, शायद आपको टेस्टी लगे। चलो देखता हूँ। चलो देखते हैं। Hey.
मैं शिजुका से बात कर रहा था। क्या तुम भूल गए आज कौन सा दिन है? आज 15 जून है। लेकिन इसमें क्या खास बात है? मैं तो हैरान हूँ। अरे जियान का। जियान? हाँ। 15 जून यानी जियान का बर्थडे। 15 जून? आज जियान का बर्थडे है। ये तो मुसीबत हो गई। क्या करूँ? कुछ भी हो लेकिन हमें उसकी बर्थडे पार्टी में तो जाना ही पड़ेगा। अगर उसे हमारे गिफ्ट पसंद नहीं आए तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। वो खुद के बर्थडे का केक अकेले खाता है। हमें उसके बेकार गानों को सुनना पड़ेगा। इसी वजह से पिछले साल मैंने बीमार होने का नाटक किया था, इसलिए वहाँ नहीं गया था मैं। और मैंने भी तो शादी का बहाना मारा था और नहीं गई थी। मैंने कहा था मेरा पेट खराब है इसलिए मैं नहीं गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इससे पहले कि जियान हमें इनवाइट करे हमें जियान आ गया। अरे हाँ, बताओ डोरेमोन तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम अपने दोस्त से मिलना चाहते हो और वो घर पर ना मिले तो? नहीं का, मुझे भी अजीब लगा। है ना, तो चलो इस समस्या को सुलझाने के लिए जल्दी से गैजेट निकालो। अच्छा ठीक है, तुम्हें ढूंढ कर लेता हूँ। जब तुम इस बटन को ऑन करोगे तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाएगा जियान। अच्छा, शुक्रिया डोरेमोन। तुम वापस आ गए? ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। तुमने अपना होमवर्क किया? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे पैर हिल नहीं पा रहे हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। पर ये तो पार्टनर स्टॉपर की वजह से हुआ है। वो क्या है? जो हमें कहीं जाने नहीं देगा। जियान ने ऐसा किया। वो गैजेट तुमने उसे क्यों दिया? क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता था। अब तुम लोग हिल सकते हो। तुम सब लोग मेरी बर्थडे पार्टी में आने वाले हो, है ना? तुमने ठीक कहा जियान। ये बिल्कुल सही टाइम है। अरे तो तुम सब लोग यहाँ पार्टी करने के लिए आए हो? हमने कुछ खास इंतजाम तो नहीं किए हैं, लेकिन तुम अंदर आ सकते हो। हाँ चलो अंदर चलो। चलो पीते हैं। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। तो बताओ तुम सभी मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? वो दरअसल मैं भूला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मैंने कितने गिफ्ट ढूंढे पर तुम्हारे लिए कोई अच्छा प्रेजेंट मुझे दिखाई नहीं, इसलिए नहीं लाया। जियान मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी हैं। ये पार्टी बहुत मजेदार होगी। तो चलो मैं तुम्हें अपना गाना सुनाता हूँ दोस्तों। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरे जैसा कोई नहीं। तुम्हें मेरे गाने से परेशानी तो नहीं हो रही? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो बहुत मजा आया। मैं जानता हूँ तुम मेरी पार्टी में आना ही नहीं चाहते, है ना? अरे नहीं नहीं, हम आना चाहते हैं। तुम लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहते, वापस जाओ। डोरेमोन, डोरेमोन। कितनी अजीब बात है, ऐसा लग रहा है रात को कोई मुझे बुला रहा है। डोरेमोन, डोरेमोन, डोरेमोन। जियान तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही। क्या तुमने सिर्फ इस चीज के लिए मुझे जगाया है? मुझे बताओ मैं इतना पॉपुलर क्यों नहीं हूँ? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत स्वार्थी हो और तुम गुस्सैल भी हो। सही कहा तुमने। मुझे भी ये सब समझ में आता है, लेकिन मैं इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं पाता? कम से कम मेरा बर्थडे साल में केवल एक बार आता है, तो मैं चाहता हूँ उसे सब दिल से मनाए। अच्छा रुको, मिशन बैक। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें हवा भेज देना और तुम्हारा गुस्सा गायब हो जाएगा। लेकिन मेरा बर्थडे तो हो गया, तो अब इसका
मैंने सुना है जियान अचानक से बहुत शांत हो गया है। सही कहा, अब तो वो आम लड़कों जैसा रहता है। लेकिन कुछ तो अजीब है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। हाँ, सही कहा। हेलो, आज का दिन कितना अच्छा है ना? तो जियान है, उसे पास मत आने दो, ये तो बहुत खतरनाक है। अरे ये तो बहुत जल्दी भर गया जियान। अरे तो अब क्या करें? अगर तुमने और हवा भरी तो ये फट जाएगा। अब तुम्हें गुस्से पर काबू करना होगा। शांत रहो, खुद पर काबू रखो। हे जियान, मैंने सुना है तुम बड़े शांत हो गए हो। जियान बहुत शांत हो गया है। हाँ, कल उसका बर्थडे है, चलो साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। सिर्फ एक दिन की बात है जियान, तुम कर सकते हो। अरे हाँ। अरे थोड़ा मुस्कुराओ तो सही। ये लो। अरे नहीं, थोड़ा और ज्यादा मुस्कुराओ। किस तरह? ऐसे नहीं।